बेवस मैं अली आरिफ और आप देख रहे हैं स्पोर्ट जर्नी विद अली आरिफ। और भी बस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो आप पिंडी के स्टेडियम में खेला जा रहा है, कल उसकी समरी आपको मैं और थोड़ी सी शेयर करूंगा। कल नाज़रीन पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और जो पाकिस्तान ने टॉप ग्रीन विकेट बनाई थी उस विकेट के ऊपर हमने चार फास्ट बॉलर जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किए गए थे उन चारों फास्ट बॉलर्स को लेकर के टॉप ग्रीन विकेट यानी विकेट पर थोड़ी ग्रास छोड़ी गई थी। अब जहन में पाकिस्तान के ये था कि हमारे पेसर्स वो बंगाल टाइगर्स को बोझ लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये टॉस जीता बांग्लादेश ने और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। यानी कि पहले जो पाकिस्तान की तीन विकेटें गिरी हैं वो 16 रन पे गिर गई थी और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में था, लेकिन उसके बाद साइम अयूब और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना इनिंग खेली और जिम्मेदाराना इनिंग खेलने से ये हुआ कि उन्होंने 98 रन की पार्टनरशिप की और इस 98 रन की पार्टनरशिप में पाकिस्तान को चार विकेट के ऊपर 198 तक, यानी कि पाकिस्तान का 158 रन जो है वो कल जब खेल का अख्ताम हुआ तो चार विकेट समारी गिर गई थी और बोर्ड पे था 158। यानी कि तीन पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जिनमें बाबर आजम 0, सऊद शान मसूद जो 6 रन बनाकर आउट हुए और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि दोनों प्लेयर्स ने विकेट पर खड़े होकर पाकिस्तानी टीम को संभाला दिया और स्कोर 158 तक ले गए। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया था और मैंने अपनी जो एक पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ा सा मेरी जो तवक्कात थी कि अगर पाकिस्तान 150 रन और जोड़ लेता है तो ये तकरीबन 300 के करीब हो जाएगा और एक ये अच्छा स्कोर होगा जो कि फाइटिंग स्कोर होगा बांग्लादेश के खिलाफ। आज जब खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी, यानी कि कल 24 रन पर बैटिंग कर रहे थे मोहम्मद रिजवान और उनके साथ सऊद शकील जो 57 पर बैटिंग कर रहे थे। आज दोनों बैट्समैनों ने बेलकमाल की बैटिंग की है, जिसे कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस थी विकेट पर जिस तरह वो खड़े हुए हैं और खूबसूरत उन्होंने स्ट्रोक्स खेले दोनों बैट्समैनों ने और 200 प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप की, जिससे पाकिस्तान की आज का जो टोटल है वो एकदम एक्सेलरेट करके ऊपर गया। ना सिर्फ ये, दोनों बैट्समैनों ने सेंचुरियां बनाई जिसमें सऊद शकील ने 141 रन की इनिंग खेली, ये वॉज आउटस्टैंडिंग 141 सऊद शकील ने बनाए 261 गेंदों पर जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान के स्कोर को जो इस पोजीशन पे जो आज 448 के ऊपर लेके गए, ये आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस थी। ना सिर्फ सऊद शकील ने बल्कि भी बस मोहम्मद रिजवान जिन्हें सरफराज पे फोके देकर टीम में शामिल किया गया था और रिजवान ने भी अपनी शमूलियत को बेल जस्टिफाई किया। भाई क्या बैटिंग करी उन्होंने, बस मज़ा आ गया, जिसे कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की। 100 रिजवान ने 71 रन बनाए, 171 रन, उसके लिए उन्होंने 239 बॉलों का सामना किया, 11 चौके और 3 छक्के मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग के अंदर लगाए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। तो इन दोनों की पार्टनरशिप से बेल पाकिस्तान का स्कोर वो एकदम टॉप पे गया और पाकिस्तान ने 448 जो है एक पहाड़ सा स्कोर जो कि एक वक्त पे 300 भी मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन रिजवान ने अपनी जो सिलेक्शन थी उसको जस्टिफाई किया और उन्होंने प्रूव किया। इसी तरह सऊद शकील ने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने भी अपनी शमूलियत को जस्टिफाई किया। इनके साथ साथ साइम अयूब जिन्होंने 56 रन बनाए थे और कल वो आउट हो गए थे, गो के उस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में था, लेकिन सऊद शकील के साथ उन्होंने विकेट पे स्टे करके जिम्मेदारा इनिंग खेली, 98 बॉलों पे उन्होंने 56 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान ने जो सऊद शकील ने इसमें 2 रिकॉर्ड और बने हुए, बस अगर मैं आपको यहाँ शेयर करूँ ये देखें, एक तो रिजवान ने जब ऐसे विकेट कीपर 150 प्लस किया, यानी कि वो 150 रन पर जब पहुंचे
तो वो पांचवें पाकिस्तानी बन गए जिसने एज ए विकेट कीपर 150 रन बनाए। और उनसे पहले सो मोहम्मद रिजवान तो ये पांचवें विकेट कीपर हैं जो एज ए विकेट कीपर भी खेले और उन्होंने 150 रन बनाए या 150 प्लस किए। इनसे पहले इम्तियाज़ अहमद वो भी 150 रन एज ए विकेट कीपर कर चुके हैं। उसके बाद तस्लीम आरिफ जिनका इंतकाल हो गया है, इम्तियाज़ अहमद भी इंतकाल कर गए, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। तो तस्लीम आरिफ ने भी एज ए विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 रन किए थे। और उसके बाद फिर राशिद लतीफ़ ने भी एज ए विकेट कीपर 150 का इंतजार किया। और आखिरी कामरान अकमल वो भी एज ए बैट्समैन 150 का इंसा अबूर किया। तो रिजवान ने ये रिकॉर्ड बनाया कि वो पांचवें पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने बनाए 150 रन। सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान। दूसरे एक सऊद शकील ने 20 इनिंग्स के अंदर ठीक है 3 सेंचुरी और 6 50 बना ली हैं, ये भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। यानी कि सऊद शकील ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 20 इनिंग्स खेली हैं जिसमें 3 सेंचुरीज और 6 50 हैं उनकी। अच्छा, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली 2 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद ने 6 रन बनाए और शाहीन शाह आफरीदी उन्होंने भी 29 रन बनाए जिसके अंदर 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। तो टोटल पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 448 रन बनाकर 6 विकेटकीपर चाय के वक्फे के बाद बिल अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया और एक पावर सा टोटल जो कि कल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी बेबस इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन क्या बैटिंग की है ज़बरदस्त। साइम अयूब, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और फिर जो 2-3 जाते जाते छोटे मोटे चमाटे और जो चौके छक्के जो है शाहीन शाह आफरीदी भी खेल गए। और तो इस तरह पाकिस्तान ने 448 पर आउट किया। आज जब खेल का अख्ताम हुआ तो बांग्लादेश 27 रन बनाए थे, 12 ओवर्स का खेल हुआ था, 27 रन बांग्लादेश ने बनाए थे, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। अब पाकिस्तान की गिरफ्त इस टेस्ट मैच पर खेल के दूसरे दिन तक मजबूत है। अब देखना है ये कि कल जब तीसरे दिन का खेल शुरू होता है बारिश के क्या तेवर होते हैं और पाकिस्तान के बॉलर जो हमारे पेसर्स हैं वो विकेट पे जो ग्रास है थोड़ी सी जो टॉप ग्रीन विकेट है उससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम को 300 के अंदर अंदर आउट कर लेता है, 250 से 300 तक के अंदर 300 तक में भी आउट कर लेता है तो पाकिस्तान के बाद फिर भी 148 रन की भारी भरकम जो है वो लीड होगी। और फिर सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान अगर इनको जल्दी आउट कर लेता है, डिपेंड ये करता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जल्दी आउट करे। अभी बस ये थी सारी अपडेट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पिंडी टेस्ट की दूसरे दिन की अपडेट थी। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। बट टिल दैट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो इसकी अपडेट होगी। बट टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।